हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम खुश होंगे। तो फ्रेंड, अभी यहाँ पे शाम के 4 बज गए हैं और आज का दिन है मंडे और बच्चे जो है ना वो सो रहे हैं। ऋषभ को छुट्टी थी आज और खुशी कॉलेज में से आ गई थी, उसके बाद ना जल्दी से दोनों सो गए तो अभी तक सोए हैं। और मैं आ गई हूँ चाय लेकर छत पर मावशी के लिए। मावशी को मैंने गेहूँ साफ़ करने के लिए बोल दिया था। ये जो मावशी है ना, तो ये कपड़े धोते हैं तो गेहूँ वगैरह ना ये साफ़ करके देते हैं मुझे। और इस बार के गेहूँ में ना थोड़े कंकर ज़्यादा है, कभी ज़्यादा आते हैं, कभी कम आते हैं, कभी बिल्कुल नहीं आते हैं। तो घर का खेत के गेहूँ थे ना, तो कम ज़्यादा लगा रहता है, तो इस बार के गेहूँ में ना ज़्यादा कंकर है। तो फिर भी ना उन्होंने, वो 3 बजे से आए हैं और 4 बजे तक ना उन्होंने आधा कट्टा जो है ना गेहूँ का, आधा थैला वो साफ़ कर दिया है। मतलब बहुत फास्ट साफ़ करते हैं वो। तो ऊपर मैंने थोड़ी सी उनसे बातें कर ली और चाय वगैरह दे दी उनको। और आगे भी नीचे यहाँ पर पर्दा ना, ये वाला कल धुला हुआ था, कल धोने में डाला था मैंने, तो फिर सूख गया था अच्छे से। तो फिर मैंने कहा कि यहाँ पे मतलब लगा देती हूँ ऊपर, देखो पीछे मैंने मतलब थोड़ी दिन पहले मैंने पर्दे वगैरह धोए थे ना, तो फिर ये वाला जो पर्दा है ना, तो इसका नट खुल नहीं रहा था मुझसे, तो ये वाला पर्दा वैसे रह रहा था धोने का। तो फिर अभी इनको बोला मैंने निकाल के देने के लिए, तो इन्होंने दिया ही निकाल के, तो फिर कल धो दिया, तो यहाँ पर अभी लगा दिया है मैंने। अब बच्चे अभी घर में सोए हैं ना, तो फिर मन भी नहीं लगता, घर में बोर होता है तो फिर कुछ ना करते रहते हैं ना, तभी मन लगता है। और मेरा ऐसा है ना, मुझे दोपहर में सोने की आदत नहीं है, थोड़ा सा लेटती हूँ मैं आधा घंटा, थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ, थोड़ा सा नींद लग जाती है ना तो सोती भी हूँ, लेकिन 10-15 मिनट के ऊपर सोती नहीं हूँ मैं कभी भी, मुझे नींद आती ही नहीं है दोपहर में। थक जाती हूँ ना तो थोड़ा सा 10-15 मिनट आँख लग जाती है मेरी, उसके ऊपर नहीं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टेबल पर ना ऋषभ ने थोड़ी सी क्राफ्टिंग वगैरह की थी, तो यहाँ पे मैंने टेबल भी साफ़ कर लिया। और यहाँ पे देखिए, अभी ना बच्चों को उठा देती हूँ, बहुत देर से सोए हैं, तो फिर अभी नहीं उठाऊंगी तो फिर रात में उनको नींद नहीं आएगी दोनों को भी। तो खुशी को भी उठा देती हूँ, मतलब खुशी को एक दो आवाज़ में खुशी उठ जाती है, लेकिन ऋषभ को ना उठाने के लिए आधा घंटा लगाना पड़ता है। ये भी अच्छी लग रही है खाली। हाँ छोटी रे, छोटी है, साइज बड़ी हो ना तेरे को, ये छोटी लग रही है। ठीक ठाक लग रही, ठीक ठाक अच्छी तो है, क्या फूल दिख रहा था उसमें। तो अभी देखिए, रात के 9 बज गए हैं अभी, और जब हम बैग वगैरह लेने गए थे ना, बच्चों के लिए बैग लेनी थी, खुशी के लिए भी और ऋषभ के लिए भी स्कूल बैग लेनी थी, तो अभी ना दोनों को बैग लेकर आ गए हैं हम। और जब बैग वगैरह ले रहे थे ना, तब तो 7 साढ़े 7 कुछ हो रहे थे और अभी यहाँ पे 9 बज गए हैं। क्या हुआ ना, जब मैं ऋषभ को उठा रही थी तभी ना इनका कॉल आया और बोले कि आज बैग लेने चलते हैं बच्चों की, तैयार हो जाओ जल्दी से। तो फिर मैंने फटाफट से ना खाना बना लिया, तो मैंने आधा ही खाना बनाया था कि ये आ गए, और फिर मैं ना वैसे ही चली गई आधा खाना बनाने के बाद बैग लेने के लिए। और आधा खाना भी ना मैंने उधर से आने के बाद बनाया और उधर से आने के बाद ही खाना खाया है। और ये देखिए, ये ना अगला दिन है, और अभी यहाँ पर सुबह के 6:45 बज गए हैं। 5:30 बजे उठ गई थी, फ्रेश वगैरह हो गई हूँ, ब्रश वगैरह कर लिया और अपना गर्म पानी पी लिया यहाँ पर, और अपनी जो अफर्मेशन है वो लिख लेती हूँ, 5 लाइन लिख लेती हूँ अफर्मेशन में, जो भी मेरे पास है, जो भी मुझे प्रकृति ने दिया है, यूनिवर्स ने मुझे दिया है, तो उसके लिए मैं थैंकफुल होती हूँ, ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ। और ना यही जो शब्द होते हैं ना मेरे, जो मैं धन्यवाद करती हूँ ना प्रकृति को, तो वही शब्द जो है ना मैं नोटबुक पर लिख लेती हूँ, तो इससे क्या होता है ना मुझे दिन भर अच्छा लगता है। वैसे तो शब्दों में भी बोल सकते हैं खाली, लेकिन लिखने से क्या होता है ना, मतलब दिमाग मेरा अंदर तक बातें जाती है तो याद रहती है वो हमेशा। तो वैसे होता नहीं था क्या बचपन में, मतलब बचपन में होता है सभी बच्चों के साथ में, स्कूल में जाते हैं तो होमवर्क हमें 5 बार लिखो, 10 बार लिखो, किस लिए होता है? क्योंकि वो हमें वो याद रहे, इसलिए होता है। तो यहाँ पर भी ना ये चीज़ें काम आती है, एक बार लिख लेते हैं ना नोटबुक में अपने शब्द उतार लेते हैं तो हमारे दिमाग में गहरे जाते हैं वो, मतलब बहुत टाइम तक याद रहते हैं। और रोज़ अलग अलग बातें लिखते हैं ना हम, खुश होने की वजह लिखते हैं ना, तो हम अपने आप ना खुश रहना सीख जाते हैं, हमें खुश होने के लिए ना बाहरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मेरा ही देख लीजिए, जब से मैं ये चीज़ें करने लगी हूँ ना, तो मैं इतनी खुश रहती हूँ, मुझे मतलब प्रॉब्लम सभी के लाइफ में होती है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, घर संसार है, बच्चे हैं, दुनियादारी है, तो प्रॉब्लम तो लगी रहती है, सभी के लाइफ में होती है, ऐसा है किसी की लाइफ नहीं है कि उसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सब होने के बाद भी ना हम खुश रह सकते हैं, खुशी के लिए तो सब चीज़ें करते हैं हम। हमें क्या लगता है, हमें ये चीज़ मिल जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे, वो चीज़ मिल जाएगी तो खुश हो जाएंगे, लेकिन क्या होता है, जैसे ही हमें वो चीज़ मिल जाती है ना, तो फिर हमें दूसरी चीज़ चाहिए, हम दूसरी चीज़ के लिए दुखी होते हैं, तो फिर बस जो हमारे पास होता है ना उसके लिए खुश होते हैं हम, ग्रेटिट्यूड फील करते हैं तो हम अंदर से खुश होना शुरू होते हैं, तो फिर चीज़ें आए जाए हमारी खुशी पर ना उसका असर नहीं होता। तो चलिए, सुबह के सारे काम हो गए मेरे, झाड़ू पोछा सभी कर लिया मैंने। अभी यहाँ पर देखिए, नहाकर आ गई हूँ किचन में, अब जो किचन के काम है तो वो कर लेती हूँ, चाय नाश्ता खाना पीना सभी, अब यहाँ पर अपनी ड्यूटी लगने वाली है तो फटाफट से शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं कुकर लगा लेती हूँ, तो कुकर ना होता रहता है,
तो पहले कुकर लगा लेती हूँ और उसके बाद चाय रख लूँगी मेरे लिए भी और इनके लिए भी। ये भी उठ गए हैं और मैंने भी अभी चाय नहीं ली है, झाड़ू पोछा वगैरह सब कर लिया था तो मैंने कहा मैंने पहले ना मैं नहा लेती हूँ। एक बार बैठ जाते हैं ना तो फिर आलस वगैरह आ जाता है तो फिर थोड़ा सा लेट हो जाता है, साथ के साथ काम होते हैं ना तो फटाफट हो जाते हैं और सुबह के तो काम इतने ज़्यादा होते हैं और टाइम इतना कम होता है ना, तो टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है सुबह सुबह। तो यहाँ पर देखिए इनके लिए चाय लेकर आ गई हूँ मैं और यहाँ पर देखिए खुशी के लिए नाश्ता बना लिया है मैंने। तो खुशी के लिए नाश्ते में पोहे बना लिए हैं और दूध उसके लिए गर्म कर लिया है, बोनवीटा डाल लिया है कप में और इसमें अब मैं दूध डाल दूंगी। और भिंडी भी कट कर ली है मैंने और साथ में मैंने कढ़ाई में मेथी की सब्जी बना ली है इनके लिए। तो ऋषभ के लिए, खुशी के लिए भिंडी की सब्जी बनाई है और इनके लिए मेथी की सब्जी बना ली है। कुकर तो लगा लिया था मैंने, आटा भी लगा लिया है और मुझे सिर्फ अभी भिंडी की सब्जी फ्राई करनी है और उसके बाद फिर रोटियां बनानी है। तो अभी मैं खुशी को नाश्ता दे देती हूँ, खुशी खाकर चली जाएगी। भाई की गाड़ी दुपट्टा संभाल। बाय लड्डू। बाय दीदी। तो अभी देखिए 9:45 बज गए हैं सुबह के और जब खुशी गई थी तब 9:05 हो गए थे। तो इनको आने में ना 20-1 मिनट लगी जाते हैं, 10 मिनट जाने में, 10 मिनट आने में और 5 मिनट भी इधर उधर हो जाते हैं ना तो 25 मिनट, आधा घंटा आराम से लग जाता है इनको। तो फिर अभी बस 5 मिनट पहले आया है ये, तो फिर मैंने फटाफट से इसको ब्रश कर दिया और फटाफट वही के वही नहला दिया इसको और अभी यहाँ पे तैयार कर देती हूँ। अब इसका नाश्ता भी बाकी है और मतलब इसका सारा ही काम बाकी है, बैग पैक करना वगैरह सभी बाकी है। ये ना मेरे लिए एक बहुत चैलेंज का काम हो रहा है। सुबह क्या हो रहा है ना, ये खुशी को छोड़ने जाता है, मतलब मानता भी नहीं है, जाता ही है वो। तो फिर उधर से आने में ना इसको बहुत टाइम लग जाता है, तो फिर 15 मिनट में ना मुझे सब कुछ करना पड़ता है, इसका तैयार करना वगैरह सभी, और नाश्ता भी उसी टाइम में करवाना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए अभी मैंने टिफ़िन वगैरह उसका ना भर के रखा था, बॉटल भर के रखी थी, तो अभी बास्केट वगैरह पैक कर दी, उसके बैग वगैरह पैक कर दी और उसको भेज दिया स्कूल में। और उसके बाद ना मैंने भी एक कप चाय बना ली अपने लिए और शांति से बैठ के चाय पी है और साथ में ना एक पराठे का नाश्ता भी कर लिया है। तो मेरा नाश्ता हो गया है और अभी चलिए फिर से लगते हैं अपने काम पर। वैसे ना उसके जाने के बाद मैंने 15-20 मिनट ना रिलैक्स किया है क्योंकि सुबह से इतनी भागा दौड़ी हो जाती है ना, तो थोड़ा सा रिलैक्स करना ही पड़ता है। तो उसी 15 मिनट में मैंने थोड़ा सा मोबाइल भी देख लिया और नाश्ता भी कर लिया और थोड़ा सा ना बैठ जाते हैं ना तो अगला काम करने की ना एनर्जी आ जाती है, मतलब हमें बिना चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है खुद को। तो बस थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं ना तो हम चार्ज हो जाते हैं तो फिर अगला काम कर सकते हैं, नहीं तो क्या होता है ना बैटरी पूरी डाउन हो जाएगी तो फिर जो काम करने होंगे ना तो वो भी नहीं हो पाएंगे। तो अभी देखिए ये जो कपड़े हैं ना मावशी धोकर गए हैं, आज कपड़े ज़्यादा हो गए थे तो नीचे की जो रस्सी है ना फुल हो गई थी, तो फिर मैंने कहा उनसे कि मैं ऊपर डाल देती हूँ कपड़े ना, टॉवल वगैरह डाले हैं, बेडशीट वगैरह डाली है ना, तो फिर कपड़े ज़्यादा हो गए हैं आज तो यहाँ पर डाल देती हूँ। और ये जो खुशी का स्वेटर है ना तो इसको मैं तीसरी मतलब तीसरी नंबर की छत पर डाल देती हूँ। और ये जो चादर वगैरह इनका जैकेट वगैरह ना तो कल धोया था मैंने, खुद ही धोया था तो अभी सूख गया है अच्छे से, ऊपर डाल देते हैं ना तो सूख जाते हैं, नहीं तो ठंडी का मौसम है ना तो जल्दी चीज़ें सूख नहीं रही है। तो फ्रेंड वीडियो को यही रोक देती हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ अगले वीडियो।